डॉट योर इंग्लिश बुक लेसन नंबर 12 फेस्टिवल्स। बेटा फेस्टिवल्स आपको पता है ना क्या होते हैं? त्यौहार। हम सब मनाते हैं त्यौहार, जैसे होली, दिवाली, क्रिसमस, ये सब मनाते हैं ना। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए फेस्टिवल इज अ टाइम ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। फेस्टिवल पे सब खुश रहते हैं ना, एकदम है ना, मज़े करते हैं ना। तो फेस्टिवल खुशियाँ मनाने का एक टाइम होता है, ठीक है ना। इट इज़ अ स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। यह हम सब के लिए स्पेशल डे होता है। बेटा देखो, जैसे मान लो आपको दिवाली में जैसे पटाखे जलाते हो, ठीक है, आप पूरे साल पटाखे जला सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो जब दिवाली आएगी तब आपको पटाखे दिए जाएंगे तो क्या आपको खुशी होगी? नहीं ना, क्योंकि वो आपके रूटीन में होगा। ऐसे ही होली पे आप कलर से खेलते हो, आपको पूरे साल आपको दे दिए जाएँ कि आप खेल लो, कोई रोक टोक नहीं है। जब होली आएगी तब आपको कलर्स दिए जाएंगे तो आपको खुशी होगी? नहीं ना। तो हम जो ये डेज होते हैं फेस्टिवल्स वाले, हम स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमारे लिए स्पेशल डे बन जाते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से हम लोगों को फेस्टिवल्स का इंतजार भी होता है, क्योंकि उस दिन हम बहुत मज़े करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, अपने रिलेटिव्स से मिलते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग त्यौहार पर हम अलग अलग तरह से उसे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं, होली पे कलर से खेलते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जब हम स्पेशल डे पर, जब मतलब त्यौहार वाले दिन पर हम मतलब जब सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है। ऑन दीज डेज वी मीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एन्जॉय टुगेदर। इन दिनों में मीन्स फेस्टिवल्स पर हम अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से मिलते हैं और मिलजुल कर हम एन्जॉय करते हैं, ठीक है। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स। बेटा फेस्टिवल्स दो तरह के होते हैं, एक रिलीजियस फेस्टिवल और दूसरा कौन से होते हैं? नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है ना। पहले हम रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जिन्हें कुछ धर्मों के लोग मनाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो दिवाली, दिवाली हिंदू मनाते हैं, ठीक है ना, मुस्लिम नहीं मनाते, ठीक है। जैसे ईद, ईद मुस्लिम मनाते हैं, हिंदू नहीं मनाते। क्रिसमस क्रिश्चियंस मनाते हैं, हम हिंदू नहीं और मुस्लिम नहीं मनाते, ठीक है ना। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जिन्हें कुछ धर्मों के लोग मनाते हैं, मतलब पूरा देश नहीं मनाता, या इसे बस कुछ धर्मों के लोग मनाते हैं। जैसे हम स्टार्ट करते हैं दिवाली से, ठीक है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर किलिंग द किंग रावण। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे थे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे हम लाइट्स का फेस्टिवल भी कहते हैं, मीन्स क्योंकि हम दिवाली पे बहुत ज़्यादा रोशनी करते हैं ना, दीपक जलाते हैं, तरह तरह की लाइट्स लगाते हैं, पूरा घर हमारा जगमग जगमग करता है ना, तो हम इसको क्या कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एवरी फेस्टिवल हैज़ अ स्टोरी एसोसिएटेड विद इट। बेटा हर त्यौहार के पीछे एक स्टोरी होती है, मीन्स ऐसे नहीं कोई भी डे उठाया और हमने उस दिन कि आज हमारा मन किया दिवाली मनाने का तो हम दिवाली सेलिब्रेट कर ली, आज हमारा मन किया होली सेलिब्रेट करने का तो हमने होली सेलिब्रेट कर ली, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। हर त्यौहार के पीछे एक स्टोरी होती है जिसके मुताबिक हम एक पर्टिकुलर डे पर उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑन दिवाली पीपल लाइट अप देयर हाउसेज विद दियाज एंड कैंडल्स। दिवाली पर सब लोग अपने घरों में दिया और कैंडल जलाते हैं। दे एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स एंड प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन हम अपने रिश्तेदारों से और जो फ्रेंड्स होते हैं उनको गिफ्ट्स देते हैं, स्वीट्स देते हैं, और वो भी हमें देते हैं ना, और देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। शाम को लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं ना सभी घरों में। ईद कौन मनाता है? मुस्लिम्स, ठीक है ना। ईद हिंदू नहीं मनाते, ईद मुस्लिम मनाते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड आफ्टर द फास्टिंग मंथ कॉल्ड रमजान। बेटा इनका जो ये मुस्लिम होते हैं ये ईद मनाते हैं, ईद मनाने से पहले एक महीने तक ये फास्ट रखते हैं, ठीक है ना।
एक महीने तक ये फास्ट रखते हैं, उस महीने को रमज़ान का महीना कहते हैं, ठीक है। जब इनका वो मंथ ख़त्म होता है तो फिर ये ईद सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ऑन दिस डे पीपल गो टू द मॉस्क्यू एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। तो ईद वाले दिन ये लोग कहाँ जाते हैं, मॉस्क्यूज मीन्स मस्जिद में। हम लोग तो पूजा करने मंदिर में जाते हैं ना, लेकिन ये लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद में। और वहाँ एक दूसरे को विश करते हैं, गले लगाते हैं और क्या कहते हैं, ईद मुबारक। जैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, हम कहते हैं हैप्पी दिवाली बोलते हैं ना हम एक दूसरे को, और ये लोग क्या बोलते हैं, ईद मुबारक, ठीक है। दे मेक अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेवैयां, ठीक है ना। यहाँ हम जैसे दिवाली का बनाते हैं, हम पकवान बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ये स्पेशल डिश क्या बनाते हैं, ये सेवैयां, ठीक है। क्रिसमस, क्रिसमस कौन मनाते हैं, क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th दिसंबर एवरी ईयर। ये इसकी एक फिक्स डेट होती है, जैसे ईद दिवाली इन सब की डेट चेंज होती रहती है, लेकिन क्रिसमस हमेशा 25th दिसंबर को ही सेलिब्रेट होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे हम दिवाली मनाते हैं क्यों, क्योंकि उस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटे थे रावण को मारकर। और यहाँ पर ये क्रिश्चियंस जो ये क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनके जो भगवान होते हैं, जैसे हम लोग राम जी को और शिव जी वगैरह पूजते हैं ना, भगवान इन भगवानों को पूजते हैं, ये लोग किसको पूजते हैं, जीसस क्राइस्ट को। तो उस दिन उनका बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, ठीक है। तो उस दिन ये सेलिब्रेट करते हैं। पीपल सेट अप अ क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेट इट विद स्टार्स लाइट्स एंड गिफ्ट्स। लोग अपने अपने घरों में मतलब क्रिसमस ट्री लगाते हैं और उसे डेकोरेट करते हैं, किससे, स्टार्स से, लाइट से, और गिफ्ट्स लगाते हैं उस पर। दे ईट केक एंड सिंग कैरोल्स, ठीक है। वो लोग केक खाते हैं और कैरोल्स गाते हैं। वो उनका जैसे एक, जैसे हम लोग भजन गाते हैं ना, ऐसे उनका एक ये रिलीजियस सॉन्ग होता है जिसे वो गाते हैं। पीपल गो टू चर्चेज फॉर स्पेशल प्रेयर्स, उस दिन वो लोग चर्च में जाते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो ईद वाले दिन कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, और क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं, चर्च में, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड बाय चिल्ड्रन दैट सेंटा क्लॉज ब्रिंग गिफ्ट फॉर देम। और बच्चों का ऐसा, जो ये क्रिश्चियंस चिल्ड्रन होते हैं, उनका ऐसा विश्वास होता है कि क्रिसमस वाले दिन सेंटा क्लॉज आते हैं और उन्हें गिफ्ट्स देकर जाते हैं, ठीक है। आगे गुरु पर्व। बर्थडे ऑफ सिख गुरुज इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पर्व। गुरु पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन सिखों के जो गुरु होते हैं उनका बर्थडे होता है, ठीक है ना। क्रिसमस तो क्रिश्चियंस क्यों मनाते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है, लेकिन गुरु पर्व सिख मनाते हैं, ठीक है। सिख मनाते हैं गुरु पर्व, और क्यों मनाते हैं, क्योंकि उस दिन उनका जो उनके गुरु होते हैं, गुरु हैं, उनका बर्थडे होता है। ऑन दिस डे सिक्स गो टू गुरुद्वारा फॉर प्रेयर्स। सिख कहाँ जाते हैं उस दिन प्रेयर करने के लिए, गुरुद्वारा। हिंदू मंदिर जाते हैं दिवाली पर। ईद पर जो मुस्लिम्स होते हैं वो कहाँ जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मॉस्क्यूज में जाते हैं। क्रिश्चियंस कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। और सिख गुरु पर्व पे कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा, ठीक है। दे ईट फ्रॉम अ कॉमन किचन कॉल्ड लंगर। वहाँ पर वो एक कॉमन किचन से खाना खाते हैं जिसे लंगर कहते हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे हिंदुओं में भंडारा होता है ना मंदिरों में, ठीक है ना, ऐसे ही इनके जो ये है गुरुद्वारा, वहाँ पर भी एक भंडारा, हम भंडारा की ही दूसरी फॉर्म कह सकते हैं लंगर, ठीक है ना। हम लोग भंडारा कहते हैं, ये लोग उसे लंगर कहते हैं, ठीक है। प्रोसेशंस आर टेकन आउट, और उस दिन वो निकालते हैं, जलसा टाइप में होता है ना, जो ये मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर, और ये रोड पर आप लोगों ने देखा होगा, सब इकट्ठे होकर अपने गुरुओं को याद करते हुए गुरुद्वारा तक जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। नेशनल फेस्टिवल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। नाउ रीड योर सेल्फ।